नेता की बात करते हैं तो फिर लोग लोकसभा का सांसद का चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? अब समझिएगा, हमारा आज तक आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग आज तक तो विधायक बनाए, सांसद बनाए, क्या परिवर्तन आया? लेकिन अब परिवर्तन आएगा, क्योंकि बनाना किस लिए, इस बात को समझिएगा। अब हेमंत सोरेन ने नौवीं अनुसूची की बात किया और नौवीं अनुसूची में डालने के लिए आपको संविधान का अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा। हमारे पास सांसद कितना है? 14, और उसमें संशोधन करने के लिए 272 सांसद की जरूरत पड़ेगा। कितना? 272। अब कैसे लागू होगा, संशोधन कैसे होगा? तो कोई माई का बेटा जो आपकी भाषा की बात करता हो, जो आपकी खतियान की बात करता हो, जिस माटी से प्रेम करता हो, वो आपके संसद भवन में जाएगा और अपनी बात को प्रबल तरीके से रखेगा, तभी ये चीजें जाके लागू हो सकता है। इसलिए आपको संसद में भेजना पड़ेगा। और अभी के दौर में, अभी के परिपेक्ष में हम अगर कोई युवा पीढ़ी देख रहे हैं तो हमारा PhD होल्डर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ये गिरिडीह लोकसभा आता है और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि 2024 में आप इसे गिरिडीह लोकसभा से संसद भवन में भेजने का काम कीजिए, तभी जाकर 1932 लागू हो सकता है। और 1932 लागू होगा, क्यों लागू होगा इसका बताते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है। ये हम बात बताना चाहते हैं कैसे है। 66वां संविधान संशोधन जब 1990 में हुआ तब हमारे मात्र 6 सांसद थे और 6 सांसदों ने वहाँ 9वीं अनुसूची में CNT कानून को डालने का काम किया था। जब 6 सांसद जब उस समय कानून को बना सकते हैं, 9वीं अनुसूची में डलवा सकते हैं, तो हमारा 2 सांसद भी जाके हम आशा करते हैं कि वहाँ पर जाके लागू करवा सकते हैं, बात की गारंटी देते हैं। और झारखंड जब बना था तो इस प्रस्ताव को लोकसभा में पारित किया गया था। पारित हुआ क्या था कि नहीं? बिहार संशोधन अधिनियम का जो पारित हुआ था लोकसभा में, उस समय भी हमारे पास सांसद नहीं था, लेकिन झारखंड अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो 32 लागू होगा और इसका किसी का माय का लाभ नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको जयराम महतो को संसद भवन में भेजना पड़ेगा। गिरिडीह लोकसभा की शुरुआत होती है पारसनाथ के पहाड़ से और खत्म होता है झुकरा के पहाड़ में। हम लोग कर दिए, अब झुमरा वालों की बारी है कि जन समर्थन देंगे कि देंगे कि नहीं देंगे, 1932 को लागू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये आपके हाथों में है दादा, ये आपके हाथों में है। हम फिर से कह रहे हैं कि 32 बहुत जरूरी है बैरिकेडिंग लगाने के लिए, भरना के भरने के लिए। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ कमल के फूल भी कुमलाने लगे हैं, कुमलाने लगे हैं। आज 24 सालों के झारखंड में आपने आंसू को देखा, कांग्रेस को देखा, JMM को देखा, BJP को देखा, सबने केवल आपको लूटा है, सबने आपको ठगा है, किसी ने आपके लिए काम नहीं किया। अब ये तीसरा विकल्प बन के आपके पास आया जाए, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, इसको चुनने का काम कीजिए। नहीं तो जिस तरह से हमारा शोषण हुआ, आज बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर चीज में निचले दर्जे पर हमारा झारखंड आता है। केवल झारखंड जिस तरह से भारत पाकिस्तान से अच्छा है, उसी तरह झारखंड केवल बिहार से अच्छा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि झारखंड इसी तरह शोषित होते रहे, इसी तरह पीड़ित होते रहे, इसी तरह वंचित होते रहे? नहीं, अब झारखंड नहीं ठगेगा, अब झारखंड पीड़ित नहीं होगा, अब झारखंड शोषित नहीं होगा, झारखंडी शोषित नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को कमर कसना है और 2024 में 2 चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा, और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आपकी विधानसभा से भी जिसको उतार दिया जाए उसको चुनने का काम कीजिए। अब बोलिएगा कि अरे लोकसभा तो बात कर दिया, विधानसभा में क्यों चुना? विधानसभा में इसलिए चुनिए कि जब 1932 पास होगा तो पहले विधानसभा से गुजरेगा, पहले विधानसभा से गुजरेगा, विधानसभा के बाद लोकसभा जाएगा। तो विधानसभा में अगर मेजोरिटी नहीं होगा तो फिर 1932 आपका खारिज हो जाएगा, इसलिए मेजोरिटी से आपको चुनना पड़ेगा। ये आपके बाल बच्चों की सवाल है, आपके भविष्य की सवाल है, इसलिए चुनना पड़ेगा। कौन भारत कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। कौन भारत कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत। हर पंचायत में पंचालित अपमानित है, कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना। 24 साल में केवल हम लोग रो ही रहे, और कितना दिन रहिएगा भैया, और कितना दिन सुतल रहिएगा? अब तो जागा, अब तो जागा। एक गीत बड़ा अच्छा लिखल है कि कितने दिन